नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रफाल मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, वहीं आप नेता संजय सिंह की अर्जी सुनने से किया इनकार। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। गौतम गंभीर ने आप नेता आतिशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी वाले पर्चों पर दी सफाई। बोले, अगर केजरीवाल मेरा नाम साबित कर देते हैं तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। बता दें, पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के प्रत्याशी गौतम गंभीर पर आप नेता आतिशी ने लगाया है आपत्तिजनक पर्चे छपाने का आरोप। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल राजनीति में झूठा प्रचार और नकारात्मकता आ गई है, इसको अपनी आदत ना बनने दें। उन्होंने कहा कि जनता को अपनी ताकत समझनी चाहिए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को मामला सुलझाने के लिए 15 अगस्त तक का दिया समय। मध्यस्थता पैनल के चीफ रिटायर्ड जस्टिस MF कलीफुल्ला ने कोर्ट से मांगा था अगस्त तक का वक्त। वहीं कुछ हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता पर आपत्ति जाहिर की। अयोध्या मामले में हिंदू महासभा के वकील का बयान, हम किसी तरीके के समझौते के लिए तैयार नहीं, एक इंच जमीन भी नहीं करेंगे बलिदान। आज सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मध्यस्थता समिति ने सौंपी रिपोर्ट। RJD नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया आरोप। कहा, नीतीश सरकार ने जानबूझकर ठीक से नहीं लड़ा नियोजित शिक्षकों का केस। बता दें, समान काम समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का चुनाव प्रचार आज थमा। 12 मई को देश की 59 सीटों पर होना है मतदान, जिसमें दिल्ली की 7 सीटों पर भी होगी वोटिंग। बसपा प्रमुख मायावती ने PM नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा, स्वार्थ के लिए खुद को बता रहे हैं पिछड़ी जाति का, अगर वे OBC होते तो RSS उनको कभी नहीं बनाता प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के नतीजे किए घोषित। 12वीं में 97.40% अंक लाकर योगेंद्र वर्मा ने किया टॉप, वहीं निशा पटेल ने 93.33% अंक लाकर 10वीं में किया टॉप। लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 95.92 अंकों की गिरावट के साथ 37,462.99 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी भी 22.90 अंक लुढ़क कर 11,278.90 अंकों पर हुआ बंद। ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्म सुपर 30 की रिलीज डेट बढ़ाई आगे। कंगना रनौत की फिल्म मेंटल है क्या रिलीज डेट टकराने के कारण बढ़ाई अपनी फिल्म की रिलीज डेट। पहले दोनों की फिल्में 26 जुलाई को होने वाली थी रिलीज। BCCI ने विश्व कप में खिलाड़ियों की गर्लफ्रेंड और पत्नियों के साथ रहने को लेकर नियम साफ कर दिया है। BCCI के मुताबिक विश्व कप के पहले 21 दिनों तक पत्नियां साथ नहीं रह सकती, उसके बाद वे अपनी गर्लफ्रेंड और पत्नी के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो भी 15 दिन तक। IPL में आज होगा क्वालिफायर 2 का मुकाबला। चेन्नई सुपर किंग्स होंगे आमने सामने विशाखापत्तनम में। शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। जीतने वाली टीम पहुंचेगी फाइनल में। 12 मई को मुंबई इंडियंस से होगा मुकाबला। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।